यहाँ पे इस नाइट क्रीम के सबसे पहले आपने रिजल्ट्स चेक करने हैं। निखरा, गोरा, चमकता हुआ, जवान चेहरा आपको भी मिल सकता है। अगर आप भी ये नाइट क्रीम डेली बेसिस पे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, आपको इतने ऑसम इसके रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आप मेरी स्किन चेक कर रहे हैं वीडियो में, वैसे ही आपकी भी स्किन जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी डे बाय डे। कुछ मसाजिंग स्टेप्स, कुछ मसाजिंग टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जिससे अगर आपके फेस पे प्रीमैच्योर साइंस ऑफ एजिंग है, आपके आईज के अराउंड, आपके लिप्स के अराउंड, या फिर आपका चेहरा वक्त से पहले बूढ़ा बूढ़ा लगना स्टार्ट हो चुका है, तो वो सब का सब बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा इस नाइट क्रीम से। इतनी पावरफुल ये क्रीम है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, आपके फेस पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने का इशू है, डिस्कलरेशन है, या फिर आपको पिगमेंटेशन है, तो वो सब की सब आपकी प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी इस नाइट क्रीम से। इतनी पावरफुल है ये नाइट क्रीम। तो इसको किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपने फेस पे अप्लाई करना है, सब चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस नाइट क्रीम को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से इन्ग्रीडियंट्स से आप ये नाइट क्रीम घर में खुद तैयार करेंगे। तो सबसे पहला और इसका मेन इंग्रेडिएंट है कोकोनट ऑयल। सर्दियों में जब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, रफ रहती है, खुरदरी सी स्किन हो जाती है, तो उसको नरम और मुलायम और शीशे की तरह चमकाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ ये एक एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। कोकोनट ऑयल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी स्किन को यूथफुल रखती हैं, जवान रखती हैं। इंस्टेंट आपकी स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, ये है रॉ मिल्क। आपने 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड करना है कच्चा दूध। बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है आपकी डिस्कलरेशन से फाइट करने के लिए। थर्ड इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, यानी कि रोगने बादाम। अगर आपके पास ये ऑयल मौजूद नहीं है तो इसकी जगह पे आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स जो मैं इसमें डाल रही हूँ आपकी स्किन के तमाम मसाइल को हल करके रख देते हैं। इतने पावरफुल ये नाइट क्रीम बन के तैयार होगी। इसके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा ऑसम है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये है ग्लिसरीन। 1 चम्मच आपने इसमें ग्लिसरीन का ऐड करना है। ऑलिव ऑयल अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो चंद कतरे, या फिर आलमंड ऑयल ऐड करेंगे तो उसके भी आपने चंद कतरे ही ऐड करने हैं। उसके बाद आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड करना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इस क्रीम की कंसिस्टेंसी सेम टू सेम आपने ऐसे ही रखनी है जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो करवाऊंगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ, ये है एलोवेरा जेल। आपने एलोवेरा जेल जो है वो मार्केट का यूज़ करना है, आपने फ्रेश लीफ का एलोवेरा जेल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको स्टोर करके रखना है। अगर आप इस क्रीम को बना के अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो विद इन अ डेज आपकी जो स्किन है वो ट्रांसफॉर्म होगी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर स्किन में। आपका जो कलर टोन है वो चेंज होता हुआ आपका नज़र आएगा, आपकी स्किन ट्रांसफॉर्म होगी ग्लास स्किन में। इतनी पावरफुल है। और कुछ जो मसाजिंग स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगी वो आपने डेली बेसिस पे नाइट में करने हैं। तो जो मेरी सिस्टर्स जिनको प्रीमैच्योर साइंस ऑफ एजिंग है, अगर आप 25+ हैं या 30+ हैं, तो ये क्रीम आज ही लगाना शुरू कर दें और डेली बेसिस पे रात को ये मसाजिंग स्टेप्स करें। आप देखेंगे कि 40 की एज में भी आपकी जो स्किन है ना वो बिल्कुल 20-25 की लगेगी। इतनी पावरफुल ये क्रीम है, इतने पावरफुल वो मसाजिंग स्टेप्स हैं जो कि आपने करने हैं। एलोवेरा जेल डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जितने अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है उतनी ही अच्छी ये क्रीम बन के तैयार होगी। अब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की आपने रखनी है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ये सीरम टाइप बन के तैयार होगी। अगर आप इसको मज़ीद थिक करना चाहते हैं, क्रीमी फॉर्म में लाना चाहते हैं, तो अगर आप इसको मज़ीद मिक्स करते जाएंगे तो ये क्रीमी से टेक्स्चर में आ जाएगी, लेकिन मुझे ये सीरम फॉर्म में ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उस फॉर्म में ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे ही रखूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। अब इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई कैसे करना है वो भी आगे चल के मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने रात को सोने से पहले जब सारे काम आपने फिनिश कर लेने हैं, ख़त्म कर लेने हैं, तो आपने क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से कर लेना है वॉश। फेस वॉश करने के बाद आपने इसके चंद ड्रॉप्स लेने हैं, उनको अपने फेस पे आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ऑल ओवर द फेस आपने अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है पूरे फेस पे। इवन आपने अपनी नेक को भी हरगिज़ नहीं भूलना है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी स्किन को यूथफुल बनाएंगे, आपकी स्किन में ग्लो पैदा करेंगे, आपके कलर को फेयर करेंगे, आपकी जो कलर
टोन है वो सेट होगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्कलेशन का इशू है, डार्क स्पॉट्स का इशू है, तो वो भी रिमूव हो जाएंगे इस पावरफुल सी नाइट क्रीम से। ऑल ओवर द फेस बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है, अपने नेक पे, अपने फेस पे बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद अब जो मसाजिंग स्टेप्स हैं, ये कुछ टेक्निक्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। आपने वैसे ही अपने फेस पे मसाजिंग करनी है। तकरीबन 10 मिनट मसाजिंग करेंगे ना, तो आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि किसी भी बोटोक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे जब हम लाफ लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी हमारा जो है उस पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाती है, लाइन्स वाजिया होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो चेहरा है वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगता है। तो आपने अपने हैंड्स को कुछ इस तरह की शेप दे के तो इसको अपर डायरेक्शन पे आपने लेके जाना है, अपनी स्किन की अपर डायरेक्शन पे आपने मसाज करनी है। पहले सेम स्टेप्स आपने लिप्स के अराउंड करना है। लिप्स के अराउंड करते करते आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ले जाना है। अपने नोज़ के अराउंड आपने इस मसाजिंग स्टेप को कंप्लीट करना है। तकरीबन आपने ये मसाज जो है एक मिनट के लिए करनी है। उसके बाद अपने फॉरहेड पे आ जाएं, तो जिस तरह के मसाजिंग स्टेप्स मैं आपको सिखा रही हूँ सेम टू सेम आपने यही करने हैं। ये कोई भी प्रोफेशनल स्टेप्स नहीं है, ये बहुत सिंपल से हैं जो कि आप इजीली घर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे भी आपको मसाजिंग स्टेप्स आते हैं आप कर डालें। अपने आईज़ के अराउंड करिए, जो कि यहाँ पे आपको बहुत जल्दी रिंकल्स आने लग जाती हैं आपके आईज़ के अराउंड। यहाँ पे आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको पुश करना है, इस चीज़ को ज़्यादा आपने हिट करना है, और जो आपकी स्किन जो है वो लटकना शुरू हो जाती है आपकी आईज़ से, जिसकी वजह से आपकी आईज़ जो है वक्त से पहले बूढ़ी लगने लगती हैं, तो उसके लिए ये टेक्निक बहुत बेस्ट है डेली बेसिस पे। इसी तरह से एक एक मिनट आपने अपनी आईज़ के अराउंड, अपनी लाफ लाइन के अराउंड, अपने फॉरहेड पे, जहाँ जहाँ पे भी आपको प्रीमैच्योर साइंस ऑफ एजिंग वाजिया हो रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी हो रहे तो आप आज ही से करना स्टार्ट कर दें। इससे आपको बहुत यूथफुल स्किन प्रोवाइड होगी। अगर आप अपनी जॉ लाइन सेट करना चाहते हैं तो ये मसाजिंग टेक्निक बहुत बेस्ट है। इसको भी आपने तकरीबन एक मिनट तक रिवाइज करना है, तो इससे आपकी जो डबल चिन है वो ख़त्म होगी। मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा डबल चिन का इशू था, लेकिन जब से ये मसाजिंग स्टेप्स मैं कर रही हूँ तो मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होना स्टार्ट हो चुकी है। इंस्टेंट आपके फेस पे ग्लो आएगा, इंस्टेंट आपकी जो स्किन है वो चमकना स्टार्ट हो जाएगी, इंस्टेंट आपके जो कलर टोन है वो फेयर होगा। यहाँ पे मसाजिंग के बाद मेरी स्किन पे ग्लो चेक कर सकते हैं, मेरी स्किन पे आप ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं कि इंस्टेंटली मेरी जो स्किन है वो ग्लो करना स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत पावरफुल है ये नाइट क्रीम, और ये मसाजिंग स्टेप्स आपने लाजमी अपनी स्किन केयर रूटीन में इनको ऐड करना है, और इस तरह की ग्लोइंग फ्लॉलेस स्किन के लिए आपने इस नाइट क्रीम को लाजमी यूज़ करना है। हाईली रिकमेंडेड है ये मेरी तरफ से। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे यहाँ पर चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। इस नाइट क्रीम को आप स्टोर करके रख सकते हैं 20-25 डेज़ के लिए, उसके बाद फ्रेश बना लें। तो फिर आऊँगी इस वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।